हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मई जून की गर्मी में हम कौन कौन से पौधों की कटिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं और इनकी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम जब भी कटिंग ग्रो करते हैं तो रेनी सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में हम इनकी कटिंग को ग्रो करते हैं और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बट इस तपती गर्मी में भी, यानी कि मई जून की गर्मी में भी, हम बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, हार्डी प्लांट हैं, जिनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और इनके हमें रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ जाता है और हमें बड़ी खुशी मिलती है। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस वीडियो पर न्यू हैं और तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सब फ्रेंड्स को सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा प्लांट है वो है हमारा बेबी टीयर्स का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है फ्रेंड्स और इसकी कटिंग को भी हम पूरा साल ही ये ग्रो कर सकते हैं और इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और बड़ा सुंदर ये प्लांट है, बड़ा हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। कभी भी आप इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स लेकर आप फ्रेंड्स इसको आप ग्रो करें, छोटी छोटी सी, तो आप कभी भी ग्रो करें, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, ये प्लांट जो है वो बड़े आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स और इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा और आप एक पौधे से कितने सारे पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत बड़े पॉट के इस अपर सरफेस में मैंने इस बेबी टीयर्स को लगाया हुआ है तो इसी से मैं कितनी बार कटिंग लेती हूँ, बहुत सारे मैंने पौधों को मल्टीप्लाई जो है वो करा हुआ है। तो आप भी इस मई जून की गर्मी में बेबी टीयर्स की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक बेस्ट प्लांट है हमारे कंटेनर गार्डनिंग के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए, ये है हमारा वंडरिंग ज्यू। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत सारे जो अपने प्लांटर्स हैं ये ग्रिल्स पर रखे हुए हैं तो इसी तरह से मैंने कटिंग से ग्रो करे। मेरा जब भी मन होता तो मैं इनकी कटिंग तो हर लगा ही लेती हूँ और इनकी कटिंग जो है कभी फेल भी नहीं होती है। आपका जब मन हो, सर्दी हो गर्मी हो, तो आप इसके जो प्लांटर्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। एक साथ कई प्लांटर आप रेडी कर लीजिए तो कितने सारे पॉट्स आपके रेडी हो जाएंगे और एक साथ रखे हुए ये खूबसूरत भी बड़े लगते हैं और ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। तो वंडरिंग ज्यू की कटिंग जो है मई जून में आसानी से ग्रो हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी मैंने ये है हमारा अल्टरनेंथा का प्लांट और ये देखिए मैंने किस तरह से इनकी कटिंग से ये पौधे जो हैं ये तैयार करे हुए हैं और इसकी हैच भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत सारी वेराइटीज़ में ये प्लांट आता है तो छोटी छोटी कटिंग आपका जब भी मन चाहे काटें और लगा दीजिए और इसी से आप अपने कितने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है इस मई जून की तपती गर्मी में, आप इस पौधों को ज़रूर ग्रो करें और 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये पौधा की कटिंग जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, 100% जो है वो आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, क्लांचो जो है, स्पेशली हमारा जो देसी वाला क्लांचो है, ये भी बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और अगर आप इस मंथ से स्टार्ट कर देते हैं इनकी कटिंग को ग्रो करना तो बहुत ही आसानी से ये जो कटिंग्स है इसकी ग्रो हो जाती है। और मैंने इसके बहुत सारे पॉट्स जो है वो मैंने रेडी करे हुए हैं ताकि जब इसका सीज़न आए तो इसमें बड़े अच्छे से फ्लावरिंग भी हो और इसकी सिंपल लीव्स भी बड़ी काफ़ी खूबसूरत होती हैं तो इस पौधे को भी मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। ये लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है तो आप क्लांचो की कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। और जब भी फ्रेंड्स आप कटिंग जो है वो ग्रो करें तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जिस भी मिट्टी में लगाएं, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी तेज़ होती है तो उस कंडीशन में मिट्टी का मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है और कटिंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी आप शॉवरिंग भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये मेरा छोटा सा एक वेस्ट प्लांटर है, इसमें मैंने फाइकस पांडा की जो कटिंग्स हैं वो मैंने ग्रो करी हुई हैं। बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है और वैसे तो ये समर ग्रोइंग प्लांट है लेकिन इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। तो इस मई जून की तपती गर्मी में आप इस पौधे को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका बोनसाई भी बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग जो है बस इसी तरह से काट काट कर मैंने इसी तरह से इनको जो है वो लगाया हुआ है तो ये भी बड़ा ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। इसकी कटिंग भी आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स अब जो आप स्क्रीन पर पौधा देख रहे हैं ये भी बड़ी हार्डी वैरायटी है, ये है हमारा डेविल बैकबोन। मैंने एक साथ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी कटिंग जो है इसी तरह से प्लांट की प्रूनिंग करी थी, तो बस सारी कटिंग मैंने एक साथ ही इस छोटे से इस वेस्ट में मैंने डाल दी थी। और ये देखिए बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, आपका जब मन चाहे आप इसकी कटिंग को जो है वो ग्रो कर सकते हैं 100% रिजल्ट के साथ। और बहुत ही खूबसूरत ये पत्तों वाला प्लांट है फ्रेंड्स, तो आप इसकी कटिंग को भी इस मंथ में आप ज़रूर ग्रो करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट, और ये देख सकते हैं थोड़ी सी हालत इसकी ख़राब है, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करे हुए हैं। बेसिकली कल काफ़ी आंधी तूफान चला था जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो गए, बट इसकी कटिंग लगाना भी बहुत इजी है, बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। और छोटी सी छोटी कटिंग अगर आप इसकी कट करते हैं किसी भी मंथ में लगाते हैं, चाहे एक्सट्रीम गर्मी है चाहे एक्सट्रीम सर्दी है, तो ये कटिंग जो है वो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, तो आप इसको भी ट्राई करें, ये भी बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और फ्रेंड्स ये है कोलियस, कोलियस की भी मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, और ये देखिए ये भी मैंने एक वेस्ट में मैंने इसको ग्रो करा हुआ है, और बहुत सारी मैंने इसकी कटिंग्स को ग्रो करा हुआ है, तो कोलियस की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं इस मई जून की गर्मी में। और बस इसकी कटिंग को जब भी लगाएं और वेल्ड्रेन मिट्टी में थोड़ा सा लगा दें और थोड़े से एक दो दिन इसको शेड में रखें, और फिर ये कटिंग जो है आसानी से ये जो ग्रो हो जाती है, बस इसकी मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट रहने दीजिए और थोड़ी सी शॉवरिंग करते रहें इसके पत्तों पर, ताकि हमारी जो कटिंग है वो ड्राई ना हो, तो आपको 100% रिजल्ट्स जो मिलेंगे। और ये बहुत ही हार्डी वैरायटी है फ्रेंड्स कोलियस की, मैंने डायरेक्ट धूप में भी रखी हुई है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप इसको शेड में रखते हैं तो थोड़ा सा ग्रीन लुक देती है, और अगर आप धूप में रखते हैं तो इसी तरह से इसकी लीव्स जो है वो पर्पल हो जाती है। मुझे ये वाली वैरायटी स्पेशली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं इसको बिल्कुल फुल धूप में रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर है ये मेरा जेड प्लांट, कुछ दिन पहले ही मैंने इनकी कटिंग जो है वो कट कर मैंने इन प्लांटर्स में मैंने लगा दी थी, तो ये भी बड़ा हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, और ब्राइट लाइट में आप इसको रखें, और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लगानी बहुत ही इजी होती है, और बस गर्मियों में इसकी भी मिट्टी थोड़ी हल्की सी मॉइस्ट रखें, अदरवाइज़ ये एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, इसको बड़ा ज़्यादा पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इनकी कटिंग्स को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये भी बड़ा खूबसूरत प्लांट है जिसे हम बेबी सनरोज़ कहते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारी इसकी कटिंग लगाई थी, बाकी सब तो इसकी कटिंग जो थी वो ग्रो हो गई, बट कुछ एक दो कटिंग जो है मुझे लग रहा है वो ग्रो नहीं हुई है, लेकिन ये भी पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं, और मॉर्निंग की धूप में आप इस पौधे को रखिए, बड़े अच्छा ये प्लांट है, और इसकी कटिंग भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं, बेबी सनरोज़। और फ्रेंड्स ये है स्वीट पोटैटो वाइन, इसकी भी कटिंग आप जब चाहें इसको ग्रो कर सकते हैं, ये पर्पल वाली वेराइटी है, देखिए किस तरह से मैंने एक वेस्ट में मैंने इसको ग्रो करा हुआ है, तो इसकी भी कटिंग जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, आप इसकी हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं, सिंपल कंटेनर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी कलरफुल ये वेराइटी होती है, आप इसको कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, ये भी बड़ा हार्डी प्लांट है, मई जून की गर्मी में आप इस पौधे को भी ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो है अपने रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है हमारा टर्टल वाइन, ये तो बहुत ही इजी प्लांट है फ्रेंड्स, और ये देखिए मैंने बस छोटे छोटे इसी तरह से वेस्ट कंटेनर में मैंने इनको ग्रो करा हुआ है, यानी कि आप समझे कि इनको ग्रो नहीं करा हुआ है, मैंने बस इसी तरह से इनको काट कर इसी तरह से इनकी सॉइल पर रख दिया था, और ये अपने आप ही ग्रो होते जाते हैं। विंटर्स में ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे स्प्रिंग आता है तो ये अपने आप हरे भरे हो जाते हैं, बस इसी तरह से ये देखिए बीच में इसके पर्पल हार्ट की कटिंग भी लगी हुई है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, बस सिंपल सी इतनी सी कटिंग जो है इसकी लेनी होती है, और बस इसी तरह से किसी भी मिट्टी पर किसी भी सॉइल पर आप इसको रख दें तो ये बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं जब ये ट्रेल करती हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, और अगर आप कभी भूल जाते हैं पानी देना तब भी ये पौधा जो है वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जब ये पौधा अंडर वाटरिंग होता है फ्रेंड्स तो इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखें।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये बॉलविन ज्यू है और ये भी मैंने एक वेस्ट में ग्रो करा हुआ है। आपने देखा है कि मैंने बॉलविन ज्यू के बहुत सारे पौधों को ग्रो करा हुआ है और ये भी बड़ा बेस्ट प्लांट है फ्रेंड्स, समर ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स। बस इसका एक बंच थोड़ा सा यहाँ से कट करें और मिट्टी भर में रखने की देर होती है और ये पौधा अपने आप ग्रो हो जाता है, यानी कि बड़ा ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरह के पौधे जो है अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें जो कभी भी ख़राब ना हो, जिनकी कटिंग पर लगाने से भी वो पौधे जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो हमें इसी तरह के पौधे जो अपने गार्डन में लगाने चाहिए। तो ये देखिए एक वेस्ट में भी लगा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी आप अगर हैज बना के लगाते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए मेरे डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है, मैंने कोई ग्रीन नेट का भी नहीं लगाई है अपने इस टेरेस गार्डन में। तो ये बड़े अच्छे से ये पौधे चल रहे हैं, बस इनकी नमी जो है वो मैं थोड़ा सा बना के ज़रूर रखती हूँ और सुबह शाम गर्मियों में पानी जो है वो हमें देना पड़ता है। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, बॉलविन ज्यू को आप ग्रो करके बहुत सारे पौधों को रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब जो प्लांट आप देख रहे हैं कि छोटे से कंटेनर में लगा हुआ, ये एक बोट लिली का प्लांट है। ये भी बड़ी हार्डी वेराइटी होती है फ्रेंड्स, इसको भी आप कटिंग द्वारा बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी लीफ कटी हुई हैं, लेकिन कल बारिश वगैरह जो हुई थी और ओले वगैरह थोड़े से गिरे थे उससे मेरे बहुत सारे पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए। ये देखिए बड़े ऐसे डेलिकेट से इसकी लीव्स होती हैं, बट बड़ा ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। जब चाहें इसकी कटिंग को ग्रो करें और मई जून की तपती हुई गर्मी में आप इनकी कटिंग को भी ग्रो करके बहुत सारे आप पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अब आप जो पौधा देख रहे हैं ये है हमारा यूफोर्बिया ग्रांटी का प्लांट और ये भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। छोटी से छोटी कटिंग भी आप जब चाहें इसको लगा सकते हैं और ढेर सारे पौधे जो अपने रेडी कर सकते हैं, आउटडोर इनडोर दोनों ही जगह आप इसको लगा सकते हैं। और बड़ा ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स और ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप इस मंथ में इसकी कटिंग को भी ग्रो करके ढेरों सारे प्लांट जो हैं वो बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है हमारा स्नेक प्लांट। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे पौधे जो हैं वो मैंने पूरा ऊपर अपने टेरेस पर रखे हुए हैं, तो ये भी बड़ा ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, आउटडोर इनडोर दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हैं। बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है, थ्रू रूट्स डिविजन से भी आप इस पौधे को प्रोपोगेट कर सकते हैं। बड़ी ही हार्डी वेराइटी है फ्रेंड्स, ये कभी ना ख़राब होने वाला ये पौधा होता है। तो इसको भी कटिंग द्वारा भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, रूट से भी डिविजन करके आप बहुत सारे पौधे जो हैं अपने रेडी कर सकते हैं। तो स्नेक प्लांट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप इस टाइम इसको भी ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही हार्डी वैरायटी है फ्रेंड्स, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये है चेन प्लांट और इसको भी कटिंग द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और इस मंथ में आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, मैंने भी इसको कहीं बाहर से इसकी कटिंग लाकर इसको ग्रो कर दिया था। तो इसके भी रनर्स निकलते हैं, आप उनको भी अलग करके बहुत सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा शेड में रखिए, अगर बड़ी ज़्यादा धूप में रखते हैं तो इसमें ब्लैक कलर के पिगमेंटेशंस आ जाती हैं और समर होने की वजह से आप इसकी मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखें तो ये बड़े अच्छे से ये ग्रो होते रहेंगे। तो ये इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लग जाती है। और अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम ये ग्रीन वाली वेराइटी है, ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। वाटर में आप इसकी कटिंग को डाल दीजिए तब भी आसानी से ग्रो हो जाता है और किसी भी मिट्टी में भी आप इसकी कटिंग को जब चाहे ग्रो करें तो ये भी पौधा बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स ये भी बड़ा हार्डी वेराइटी है, ये है हमारा ड्रेसिना का प्लांट और इसको भी कटिंग द्वारा बड़े आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है। मैंने भी इसको कटिंग से ही इसको ग्रो करा हुआ है, तो इस तपती गर्मी में भी आप इसकी कटिंग को ग्रो करें और 100% रिजल्ट्स आपको बड़े अच्छे से मिलेंगे। और किसी भी मिट्टी में आप इसकी कटिंग को लगा दीजिए, बस मिट्टी को हल्का थोड़ा सा मॉइस्ट बेसिस पर रखिए और इसकी कटिंग पर थोड़ी थोड़ी सी शोवरिंग जो है वो टाइम टू टाइम करते रहें। और ये देखिए ये बहुत ही हार्डी वेराइटी है और ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ड्रेसिना एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारा डेफनबेकिया का प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इसको भी कटिंग द्वारा बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और एक कटिंग अगर आप कहीं से लाते हैं या कट करते हैं तो किसी भी मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए, ये भी बड़ी हार्डी वेराइटी है, बड़े खूबसूरत पत्तों वाला ये प्लांट है फ्रेंड्स और ग्रीन रहता है फ्रेंड्स और बहुत ही आसानी से ये आपके घर आंगन में बना रहता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास डेफनबेकिया की को कटिंग द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मैंने जितने भी प्लांट्स के नाम आज आपको बताए हैं आप इनको इस मई जून की गर्मी
आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे जो हैं सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और इसके द्वारा आप बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।